नमस्कार, मैं गुंजन शर्मा और आप देख रहे हैं यू वीडियो न्यूज। 2024 के लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो गया है। आज 13 राज्यों की 79 सीटों पर मतदान किया जाएगा, पर बीजेपी के लिए 102 सीटें 400 पार के किले के द्वार के बराबर है। आज 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चुनाव होंगे, जिनमें केरल की 20 सीटें, कर्नाटक की 14 सीटें, राजस्थान की 13 सीटें, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की 8-8 सीटें, मध्य प्रदेश की 7 सीटें, असम और बिहार की 5-5 सीटें, 3 सीट शामिल है। पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ तथा जम्मू कश्मीर, मणिपुर और त्रिपुरा में एक एक सीटों पर चुनाव होगा। बता दें, पहले फेज की वोटिंग 21 राज्यों की 102 सीटों पर हुई थी। शर्मा, और आज हम खड़े गाजियाबाद लोकसभा सीट पे, तो आइए जानते हैं यहाँ की जनता से कि क्या रुझान चल रहा है, वोटिंग का क्या रुझान चल रहा है, किस पर्पस से वोट दे रहे हैं। पर्पस तो हमारा जो है राष्ट्रीय और देश की जो बात करेगा उसी को हमारा वोट जाएगा। और कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में इस समय का जो माहौल है, जो शिक्षा पे, रोजगार पे, बेरोजगारी को कम करने में, धर्म के साथ बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ राम मंदिर बना। पहली बार इतिहास में ऐसा हुआ है कि जो स्कूल राम मंदिर बनाने का एक ऐतिहासिक कार्य हुआ, 1370 खत्म हुई है। उसके साथ साथ अब आने वाले दिनों में शिक्षा, बेरोजगारी, ये हमारे यहाँ पे यही निशान है कि इस बार भाजपा और ज्यादा वोटों से जीतने वाली है। आप देखते रहिए, यहाँ पे आप माहौल देखिए, हर बूथ पे जाके आप माहौल देखिए क्या माहौल है। और गाजियाबाद में आज से नहीं, कम से कम 35 साल से भाजपा की सरकार, जहाँ से जो सांसद बने हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। जनरल साहब का आपने काम देखा, अब प्रत्याशी बदला, इनका भी आप काम देखिएगा। एक बार मौका देके सब लोग बनाए और 4 लाख से ऊपर ये जीते। तो सर, अतुल गर्ग जैसे कि यह लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं, तो उनसे आप क्या चाहते हैं कि उस क्षेत्र में क्या बदलाव करें? क्षेत्र में बदलाव होगा जी, अतुल गर्ग जी से लेकर और मोदी जी, यहाँ पे पूरा बदलाव चलेगा। आप देखिएगा, यहाँ पे आपका रैपिड रेल आ रही है, मेट्रो कनेक्ट हो गई है, यहाँ पे स्टेडियम बन रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी और चालू हो जाएंगे। ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, उसके बाद आप देखिए। तो आपको क्या लगता है ये 400 पार का नारा सफल कर पाएगी? बिल्कुल सफल होगा, 100% 1000% सफल होगा। धन्यवाद। नमस्कार सर, तो आप गाजियाबाद की जनता का क्या रुझान देख पा रहे हैं? आप जनरल साहब 5 लाख वोटर जीते थे, अतुल जी 7 लाख लगभग वोटर जीत के यहाँ इतिहास रचेंगे। एक एक व्यक्ति अतुल गर्ग जी के फेवर में भाजपा के फेवर में पुल पर वोट बढ़ा रहा है, यहाँ के विकास को देख रहा है। आप देखिए, दिल्ली से 8 घंटे में मेरे आदमी पहुँच जाता है, जिसमें 4-4 घंटे पहुँचने में लगते हैं। रेपिड रेल आई है, पहली रेपिड रेल देश की जो है वो गाजियाबाद को मिली है। और ये बरसाती मैटर है, जब चुनाव आते हैं निकल जाते हैं। अब इससे पहले बताइए, इनका पब्लिक से किसी जाति धर्म से कोई संपर्क इनका रहा हो, किसी वोटर से इनका संपर्क रहा हो? भाजपा का एक एक कार्यकर्ता पब्लिक के बीच में रहकर कार्य करता है, उसके दुख सुख में हर वक्त साथ रहता है। तो यही कारण जो है, तो यहाँ आपको क्या लगता है कि आम जनता सिर्फ बीजेपी को सपोर्ट कर रही है या इंडिया गठबंधन का क्या? आम जनता का रुझान बीजेपी की तरफ है, आप देखेंगे। लेकिन गाजियाबाद में तो अधिक से ज्यादा मुस्लिम वोटर है, तो मुस्लिम वोटर, मुस्लिम वोट भी जो है हमें मिलेंगे। मुस्लिम वोटर को हमने गरीबी की रेखा वाले जो लोग हैं उनको